आपका जी गुरुजी में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशंस के पारित नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी की और यहाँ पर कौन से बच्चे भर सकते हैं फॉर्म्स उनके बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका, वो है सबसे पहले आप होने चाहिए एक इंडियन नेशनैलिटी के स्टूडेंट या इंडियन नेशनैलिटी के इंडिविजुअल। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया है जो कि 19 to 33 है। हर एज कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जिसके बारे में इन डिटेल आप हमारे पेज पर जाकर के देख सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं, एग्जामिनेशन, इसके बाद इंटरव्यू अलग होता है, यानी टोटल 3 stages होती हैं इसके एग्जामिनेशन की। नंबर 1 पर आता है प्रीलिम्स, नंबर 2 पर आता है मेंस और नंबर 3 पर आता है इंटरव्यू। यूपीएससी सिविल सर्विसेज को जो क्लियर करता है, पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंक की पोस्ट उनको प्रोवाइड की जाती है ब्यूरोक्रेट्स में। जी हाँ, ब्यूरोक्रेट्स में। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो मेंस पेपर होता है, मेंस में आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और हर सब्जेक्ट का पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स में ये पेपर, ये आंसर्स लिखने होते हैं। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अच्छे आंसर्स आपको लिखने होते हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलनी जरूरी है। इसके बाद आता है इंटरव्यू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आ गई हूँ तमिलनाडु के एक बहुत ही फेमस शहर मदुरई में। मदुरई काफी ज्यादा जाना माना शहर है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल शहर भी माना जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत से लोग इन टेम्पल्स को विजिट करने के लिए पूरे इंडिया से आते हैं और इसी शहर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उन्हीं के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो अगर आप भी मदुरई में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकती है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। इससे पहले ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहाँ हमने बोरीवली के हर टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जाना है, हर इंस्टीट्यूट की रैंकिंग वाइज हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ एक शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन भी दी है, सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं, एड्रेस भी दिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर भी लिस्ट देख सकते हैं कि बोरीवली में कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा अच्छा है प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूंगी इंडिविजुअल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन भी हमने आपको दी है इन डिटेल, जहां हमने जाना है हर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं हर इंस्टीट्यूट के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंस्पायर आईएएस अकेडमी की। इंस्पायर आईएएस अकेडमी पूरे के पूरे मदुरई में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के लिए रैंक नंबर 4 पर आता है। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, हर वो चीज जो एक स्टूडेंट को चाहिए अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, इनकी फैकल्टीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज के बेसिस पर आपको एक प्रॉपर परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर आपके होते ही रहते हैं, आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर इन डिटेल समझाया जाता है, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है यहाँ पर, एक्सपर्ट नॉलेज दी जाती है आपको, और इसके अलावा रिविजन क्लासेस के बाद आपको एक क्रैश कोर्स भी दिया जाता है, जहाँ आप ज्वाइन कर और ज्यादा अच्छे से इन डिटेल इन रिविजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी आपको जाना जाता है कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है प्रिपरेशन करने के लिए और किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और आपको एक और बात बता दूँ कि ये इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में मौजूद है, इंडिया के हर बड़े शहर में है, और हर बड़े शहर में उस शहर के टॉप 10 इंस्टीट्यूट में इसका नाम आपने जरूर सुना होगा और जरूर देखेंगे आप। तो इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये, आप समझ सकते हैं क्यों है। इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इनका एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही आपके सामने हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं, हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।